हेडिंग पुट करो, लिखो क्वाजाई कॉनकेव क्वाजाई कॉन्वेक्स, या कुछ लोग कहते हैं क्वाजी कॉनकेव क्वाजी कॉन्वेक्स। लिखा आपने? लिखो लेट एस बी अ कॉन्वेक्स सेट, आगे लिखो एफ एस टू आर, मतलब आपकी फंक्शन है कॉन्वेक्स सेट टू रियल नंबर। ठीक है यहां तक? आगे लिखो डिफाइन फर्स्ट वन, पी ए, आगे लिखो एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ए आपका रियल नंबर। इंडिकेट कर लिया आपने, इसे हम कहते हैं अपर सेट ऑफ एफ। लेके सेकंड वन, फिर से लिखिए पी ए, लेकिन पहले वो ए आपकी सफिक्स फॉर्म में थी, ए के ऊपर रेज करके रखिएगा। लेके एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, इसे हम कहते हैं लोअर लेवल सेट ऑफ एफ। यहां तक सब लोगों ने कॉपी कर लिया? अब एक रिमार्क डालो, लिखो रिमार्क नंबर वन, लिखो अ फंक्शन इज क्वाजाई कॉनकेव इफ एंड ऑनली इफ, इफ एंड ऑनली इफ अपर लेवल सेट इज कॉन्वेक्स सेट, अपर लेवल सेट इज कॉन्वेक्स सेट। लेके रिमार्क नंबर टू, लेके अ फंक्शन एफ इज क्वाजाई कॉन्वेक्स, लेके एफ एन ऑन लेफ लोअर लेवल सेट इज कॉन्वेक्स सेट, कॉनकेव सेट कुछ भी नहीं होता, ये नहीं पढ़ाई है मैंने आज तक नहीं पढ़ी। ठीक है, एफ एन ऑन लेफ लोअर लेवल सेट इज कॉन्वेक्स सेट। लेके रिमार्क नंबर थ्री, लेके एवरी कॉनकेव फंक्शन, एवरी कॉनकेव फंक्शन इज क्वाजाई कॉनकेव बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू।
Next remark number 4. लिखो एवरी कॉन्वेक्स फंक्शन एवरी कॉन्वेक्स फंक्शन इज क्वाज़ी कॉन्वेक्स बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू कन्वर्स क्या लिखा आपने नीड नॉट बी ट्रू हाँ एक मिनट यहाँ कंसंट्रेशन आपकी मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ पहले आप इसे समझो कि ये क्या कह रहा है मुझे बताओ ये फंक्शन कॉनकेव है कॉन्वेक्स है कॉनकेव मैंने आपको रिमार्क नंबर 3 में क्लियरली लिखवाया कि यदि फंक्शन कॉनकेव होगा तो क्या होगा क्वाज़ी कॉन्वेक्स कन्फर्म होगा ठीक है अब रही बात इसमें मैं अपर लेवल सेट और लोअर लेवल सेट दो तरह के डेफिनेशन है तो ऑब्वियसली अपर लेवल सेट का डेफिनेशन इसके अंदर फिट होना चाहिए आपका ठीक है किसका डेफिनेशन फिट होना चाहिए क्योंकि अपर लेवल सेट में ही इफ एंड ऑनली इफ का कंडीशन है कि इफ एंड ऑनली इफ अपर लेवल सेट यदि कॉन्वेक्स सेट हुई तो फंक्शन क्वाज़ी कॉनकेव होगी और क्वाज़ी कॉनकेव होगी तो अपर लेवल सेट का डेफिनेशन फिट होगा ठीक है अब अपर लेवल का डेफिनेशन क्या है वो यहां लिखा हुआ है सबसे पहले आपको एक रियल नंबर लेना होगा जिससे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए या तो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए ऐसे एक्स के कलेक्शन को हम अपर लेवल सेट कहते हैं मतलब आपको एक्स की वो वैल्यूज ढूंढनी है जहां एफ एक्स की वैल्यू क्या हो या तो ए हो या ए से ज्यादा ऐसे एक्स के कलेक्शन को तैयार करना और वो सारे एक्स जब इकट्ठे आपके पास हो जाए तो उस सेट को देखना है कि वो कॉन्वेक्स सेट है या नहीं ठीक है बात समझ में आ गई क्लियर तो ऐसे एक्स का कलेक्शन जहां एफ एक्स की वैल्यू क्या हो या तो ए या फिर ए से ज्यादा एक मिनट यहां कंसंट्रेशन आपकी मैंने एक रियल नंबर सेलेक्ट किया ए जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा ये आपका ए कोई भी रियल नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी मर्जी ठीक है इस पोजीशन पे पहले मुझे बताओ इज इट इक्वल भाई यहां जो एक्स की वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल ए के इक्वल यहां भी बताइए इस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल ए के इक्वल और इन पोजीशंस पे बताओ क्या होगा तो आपको या तो ग्रेटर चाहिए था या इक्वल चाहिए था तो हमने इतने सारे एक्स इकट्ठे किए जहां एफ एक्स की वैल्यू क्या है या तो ए है या ए से ग्रेटर अब रही बात ये जो आपके पास ये पॉइंट्स आए हैं ठीक है ये आपको चेक करना है कि अपर नॉट अपर लेवल सेट के डेफिनेशन है आपको ये लाइन सेगमेंट चेक करना है कि कॉन्वेक्स सेट है या नहीं तो मुझे बताइए क्या ये लाइन सेगमेंट कॉन्वेक्स सेट है जल्दी बताइए हाँ या नहीं क्योंकि रीजन किसी भी दो पॉइंट्स को लेंगे आप सपोज मैंने ये दो लिए और उसको ज्वाइन करेंगे तो उस रीजन में होने चाहिए आप तो लाइन सेगमेंट क्या होती है हमेशा कॉन्वेक्स सेट होती है हाँ लाइन सेगमेंट ब्रोकन होगी तो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि उस केस में एक पॉइंट मैं यहां लूंगा और एक पॉइंट यहां लूंगा ज्वाइन करूंगा तो मैं बीच में आ जाऊंगा जो बीच वाला पार्ट नहीं था तो लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स सेट सिर्फ वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए बात ध्यान रखिएगा ब्रोकन होगा तो कभी भी कॉन्वेक्स सेट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा समझ में आ रही है क्यों नहीं करेगा क्योंकि उस केस में एक पॉइंट यहां ले लो एक पॉइंट यहां ले लो जैसे ज्वाइन करोगे आप उस पार्ट में आ जाओगे जो ब्रोकन है जो उसका रीजन नहीं है और वैसे जब भी लाइन सेगमेंट आएगी तो हमेशा कॉन्वेक्स सेट होगी कोई डाउट तो नहीं आता
तो हमने अपर लेवल सेट का डेफिनेशन फिट किया और ये आपका कॉन्वेक्स सेट आया। तो मुझे यदि अपर लेवल सेट जब भी कॉन्वेक्स सेट हो तो फंक्शन क्या होती है? क्वाज़ाई कॉन्केव। ये दोनों तरफ से सेटिस्फाइड है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए वर्ड है इफ एंड ऑनली इफ। क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब दूसरा डायग्राम भी मैं आपको लेके दिखा रहा हूं। मुझे बताइए ये फंक्शन क्या है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया कि जो फंक्शन कॉन्वेक्स होगा वो 100% क्वाज़ाई कॉन्वेक्स होगा। तो डेफिनेशन किसका फिट होगा? अपर लेवल, लोअर लेवल? तो लोअर लेवल सेट का हम डेफिनेशन फिट करेंगे। उसके लिए आपको एक रियल नंबर लेना होगा, वो आप खुद ही डिसाइड कर लेना क्या लोगे। हमने एक रियल नंबर ले लिया ए, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना। यहां बताओ क्या पोजीशन है हमारी, यहां जो एक्स की वैल्यू होगी वहां एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल? ए के इक्वल। यहां भी बताओ ए के इक्वल, कंफर्म? और इन पार्ट्स में क्या होगी जल्दी बताओ? ए से लेसर। किससे लेसर? भाई ए तो ऊपर वाली लाइन है ना, उससे नीचे वैल्यू आपकी आ रही है। तो लोअर लेवल सेट का डेफिनेशन क्या कहता है? या तो वैल्यू आपकी ए होनी चाहिए या ए से लेसर होनी चाहिए, कंफर्म? तो इतने सारे पॉइंट्स हमारे पास आए, क्या ये पॉइंट्स कॉन्वेक्स सेट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो एरो देके लिखो, ये आपका कॉन्वेक्स सेट। और जैसे ही कॉन्वेक्स सेट हुआ वैसे ही फंक्शन क्या हो गई? तो यहां इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय साइन लगा देना, यहां भी इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, यहां लिख लेना क्वाज़ाई कॉन्केव और यहां लिखो क्वाज़ाई कॉन्वेक्स। एक में नीचे है अपर लेवल में और उसमें ऊपर है। तो फर्स्ट वाला अपर लेवल वाला, तो अपर लेवल सेट में सबस्क्रिप्ट में हो, वैसे वो सिंबल है, इसके लिए लड़ाई नहीं हो सकती। कोई भगवान जी ने सिंबल नहीं बनाया, ठीक है, सिंबल हमने बनाया। क्लियर बात? आपको जिधर मनो उधर लिख लो। भाई लड़ाई कब हो सकती है? भेजो ऊपर वाले बना के भेजो। आपको सिंबल नहीं लिखना है तो अपर लेवल सेट लिख दो, लोअर लेवल सेट लिख दो, दैट्स ऑल। स्टाफ को जाके बोलो कर लिया कॉपी अपने। एस सेट का नेम है, आप कुछ और भी ले सकते हो, जो मर्जी आपकी। यहां देखो मैंने लिखा भी है ऊपर टॉप पे, देख लो एस इज अ कॉन्वेक्स सेट। हाँ एक मिनट, यहां कंसंट्रेशन आपकी। यदि आप डेफिनेशन रिवर्स सेट करोगे, रिवर्स मतलब जहां आपने अपर लेवल सेट किया है वहां लोअर लेवल सेट सेट करो, तो आपकी लाइन सेगमेंट ब्रोकन आएगी। क्यों आएगी ब्रोकन?
क्योंकि मिड पार्ट में यदि वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो इस पार्ट के अलावा जो पार्ट होगा उसमें लेस देन इक्वल टू ए होगा। तो यदि आप इसमें लोअर लेवल सेट का डेफिनेशन फिक्स करोगे तो उस केस में आपकी लाइन सेगमेंट ब्रोकन होगी और ब्रोकन लाइन सेगमेंट कॉन्वेक्स सेट नहीं होती है। यही बात आप यहां भी चेक कर सकते हो। आप कहोगे इसमें अपर लेवल ही क्यों आपने फिट कर दिया, तो मैंने आपको एक बार समझाया कि अपर लेवल छोड़कर यदि आप लोअर लेवल सेट का डेफिनेशन फिट करोगे तो आपकी लाइन सेगमेंट ब्रोकन होगी, ठीक है, आगे बस में। और यहां भी लाइन सेगमेंट आप रिवर्स सेट करोगे तो लाइन सेगमेंट ब्रोकन होगी। अब ब्रोकन होते ही कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, समझ में आ गई सबको बात। अब लिखिए प्रॉपर्टीज, लेकिन फर्स्ट वन लेकिन द सम ऑफ क्वाज़ाई कॉनकेव ब्रैकेट में लिखो क्वाज़ाई कॉन्वेक्स फंक्शन need not be quasi concave ब्रैकेट में लिखो quasi convex। मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा आपने, द सम ऑफ quasi concave ब्रैकेट में क्या quasi convex need not be quasi concave ब्रैकेट में मुझे देखिए दो कॉनकेव फंक्शन का सम क्या होता है कॉनकेव, लेकिन दो क्वाज़ाई कॉनकेव का सम क्वाज़ाई कॉनकेव हो ये जरूरी नहीं, बेसिक डिफरेंस ये समझना है, ठीक है भाई। दो कॉनकेव फंक्शन का सम कॉनकेव होता है लेकिन क्वाज़ाई कॉनकेव का सम क्वाज़ाई कॉनकेव हो ये जरूरी नहीं। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर टू लेके एफ एफ इज क्वाज़ाई कॉनकेव, कम बातें करोगे, ये नहीं कि रिपीट करना पड़े बाद में, माइनर लाइन चल रही है, ठीक है। और एक बार नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया आपको, लेको एफ एफ इज क्वाज़ाई कॉनकेव ब्रैकेट में लिखो क्वाज़ाई कॉन्वेक्स एंड जी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग and g is strictly increasing को ऑनलाइन करो, लेको then g o f is quasi concave ब्रैकेट में लिखो quasi convex। मैंने आपको लिख के दिया एफ यदि क्वाज़ाई कॉनकेव होगा और जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन एज इट इज रह जाएगी। एज इट इज का मतलब क्वाज़ाई कॉनकेव थी, जी ओ एफ होने के बाद भी क्वाज़ाई कॉनकेव होगी और यही बात क्वाज़ाई कॉन्वेक्स के साथ भी होल्ड करेगी। लेकिन यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा फंक्शन तो रिवर्स हो जाएगा। लेके प्रॉपर्टी नंबर थ्री, लेके एफ एफ इज क्वाज़ाई कॉनकेव ब्रैकेट में लिखिए क्वाज़ाई कॉन्वेक्स लिखिए एंड जी इज स्ट्रिक्टली क्या लिखा आपने डिक्रीजिंग, अनलाइन करो, लिखो देन जी ओ एफ इज क्वाज़ाई कॉन्वेक्स ब्रैकेट में क्या क्वाज़ाई कॉनकेव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते ही रिवर्स होगा, ठीक है। राइट ऑन फोर्थ वन, लिखिए फोर्थ वन
लेके एफ एफ इज क्वाजाय कॉनकेव, ब्रैकेट में लिखिए क्वाजाय कॉन्वेक्स, देन माइनस एफ इज क्वाजाय कॉन्वेक्स, ब्रैकेट में लिखिए क्वाजाय कॉनकेव, मतलब नेगेटिव होते ही फंक्शन आपकी रिवर्स नेचर की होगी, ठीक है। अब भाई कौन सा, फिफ्थ वन लेके आ, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन इज क्वाजाय कॉनकेव एज वेल एज क्वाजाय कॉन्वेक्स। मोनोटोनिक फंक्शन किसको कहते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को, हाँ नहीं? यदि फंक्शन आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुई तो फिर क्या होगा? दोनों ही होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुई तो दोनों ही होगा। ये बेसिकली वन वेरिएबल के लिए क्वेश्चन होगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉर वन वेरिएबल। बेसिकली ये कंसेप्ट मैं आपको वन वेरिएबल के लिए बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने इधर आपको फाइव पॉइंट्स लिखवाए और उधर कितने लिखवाए थे? फोर। फोर और फाइव कितने हो गए? नाइन की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। इसके अलावा भी चीज़ें होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसका क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है। ऑब्वियसली मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन यदि आप बुक अपना ओपन करेंगे हेमंत, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई इसके अलावा तीन चार बातें और मिल जाएगी आपको, लेकिन मैं आपको उसका यूज़ नहीं है तो मैं ऑब्वियसली वह नहीं बता रहा हूँ। तो नाइन पॉइंट्स का हम हेल्प लेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होती है लोगों को, उसके रीज़न कि कई सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ यूज़ होते हैं, और यूज़ होते हैं तो फिर उतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को कैटेगराइज करके आपको बता रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हो, और हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहेंगे यही एक वे है, तो मैं कहूँगा यही वे है, ठीक है, कि हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन को ध्यान रखना है, और उससे यदि कोई न्यू कैटेगरी जनरेट हो गई तो आप टैकल कर सकते हो, ऐसे जनरेट होती नहीं, ठीक है। लेकिन जितने कैटेगरीज मैं आपको बताऊँगा उतने पर तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट होइए, लिखिए टाइप वन, ब्रैकेट में लिखिए वन वेरिएबल, लेके एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर। मैंने आपसे क्या कहा कि वन वेरिएबल का क्वेश्चन यदि हो तो टैकलिंग सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड किया करो, उसे डिफरेंशिएट कर देना, उसमें अपर लेवल लोअर लेवल सेट का डेफिनेशन फिट करने की जरूरत नहीं है, आपका काम सीधा हो जाएगा। लेके सॉल्यूशन में एफ डैश एक्स क्या आएगा? थ्री ग्रेटर देन जीरो। इज इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? एरो दे के लिखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिखो देफो क्या होगा? बोथ, बोथ मतलब क्वाजाय कॉनकेव एज वेल एज क्वाजाय कॉन्वेक्स। इसमें यदि आप अपर लेवल सेट का डेफिनेशन और लोअर लेवल सेट का डेफिनेशन फिट करोगे तो दोनों ही डेफिनेशन आपके फिट होगी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बोथ। समझ में आ गई बात? ठीक है, अपर लेवल फिट करोगे तो फिट होगा, लोअर लेवल फिट करोगे तो फिट होगा, ठीक है। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं तो वो करना पड़ेगा हमें। तो लिखिए मैथड टू, एक बार कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं करेंगे इस क्वेश्चंस में। टाइप टू ने एक क्वेश्चन के बाद टाइप नहीं बदलती, ठीक है। लेकिन मेथड टू, एक से एक अकल वाले यहां हैं। लेकिन मेथड टू बाय डेफिनेशन
हाँ लिखिए कंसीडर अपर लेवल सेट, लिखिए कंसीडर अपर लेवल सेट ऑफ एफ, लिखिए पी ए एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। ये डेफिनेशन हमारा, आगे लिखो एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट थ्री एक्स प्लस फोर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। लिखो नेक्स्ट लाइन एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या ए माइनस फोर बाई थ्री। कोई डाउट यहां तक? आप इसे इस फॉर्म में लिख लो ए माइनस फोर बाई थ्री टू क्या इन्फिनिटी। x belongs to a minus 4 by 3 to infinity लिख लिया आपने। पहले बताओ ये कॉन्वेक्स सेट है? a minus 4 by 3 से स्टार्ट करोगे इन्फिनिटी तक जाओगे, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? मेरे हिसाब से एक डायग्राम भी बनाओ, 3x plus 4 का डायग्राम मुझे बनाना है। इज इट लाइन सेगमेंट? एक बार इधर इधर कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए। y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर, मेरे हिसाब से रख लो y फोर, और एक बार y जीरो रख लो माइनस फोर बाय थ्री। माइनस फोर बाय थ्री मतलब रफली ये वैल्यू, ठीक है? इससे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। ये आपकी इक्वेशन है 3x प्लस फोर की, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब a आप कहीं एक नंबर ले लो, सपोज हमने a ये ले लिया, ये हमारा a, ठीक है? मुझे बताइए यहां जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स क्या देगा वैल्यू a के इक्वल? किसके इक्वल देगा? और इन पॉइंट्स पे क्या होगा? आप डेफिनेशन क्या कहती है एक बार मुझे बता दो। या तो ए होना चाहिए या ए से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपके होंगे, ये आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो। इस लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं जो इस फंक्शन के अंदर आया। मुझे बताओ क्या ये लाइन सेगमेंट कॉन्वेक्स सेट है? ये बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़े, हर जगह तो हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते डायग्राम, ठीक है? जहां ड्रॉ हो सकता है वहां ड्रॉ मैंने कर दिया एक बार आपके लिए, ठीक है? तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? तो ये भी आपका क्या है? कॉन्वेक्स सेट है। तो यहां लिखो कॉन्वेक्स सेट, यहां a माइनस फोर बाई थ्री इंडिकेट करके यहां भी लिख देना कॉन्वेक्स सेट। तो मुझे बताइए अपर लेवल सेट हमारी क्या निकली? कॉन्वेक्स सेट। तो नीचे लिखो सिंस अपर लेवल सेट इज कॉन्वेक्स सेट, यदि लैंग्वेज में लिखोगे नहीं लिखोगे तो पी ए सिंबल में लिख देना इज कॉन्वेक्स सेट। लेके दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय फंक्शन इज क्वाज़ाई कॉनकेव। क्लियर बात? फंक्शन इज, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आइए लोअर लेवल सेट भी डेफिनेशन इसके अंदर फिट करें। लिखिए कंसीडर लोअर लेवल सेट, मैंने आपको पहले ही समझाया था दोनों ही फिट हो रहा है। लिखिए कंसीडर लोअर लेवल सेट, लिखिए पी ए एक्स बिलोंग्स टू एस such that fx is less than equal to a। आगे लिखो x belongs to s such that 3x plus 4
is less than equal to a, leko x belongs to s such that x is less than equal to a minus 4 by 3. तो ये आपकी स्टार्ट होगी माइनस इन्फिनिटी से a माइनस 4 बाई 3 तक. यदि आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम तो आपके पास पहले से ही था. ये पोजीशन हमारी a थी, अब ये आपके पास पोजीशन है. आप मुझे बताओ क्या ये लाइन सेगमेंट कॉन्वेक्स सेट है? यहाँ इंडिकेट कर देना a माइनस 4 बाई 3. मैंने डायग्राम आपके लिए बना दिया, आप इधर के साइड में चला गया हो. इज इट कॉन्वेक्स सेट? तो ये फंक्शन भी आपके क्या है? कॉन्वेक्स सेट. लिखो इसे कॉन्वेक्स सेट. तो मुझे बताइए लोअर लेवल सेट हमारी क्या है? तो फंक्शन वो लिखो नीचे. सिंस लोअर लेवल सेट इज कॉन्वेक्स सेट, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय फंक्शन इज क्वाज़ी कॉन्वेक्स. दोनों डेफिनेशन मैंने आपको फिट करके दिखा दी दोनों तरफ से. और एक तो वन लाइनर बताया, मेथड वन वन लाइनर, डिफ्रेंशिएट करो उसके साथ ही वन वेरिएबल में तो क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? डेफिनेशन भी एक बार फिट करके मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो फिट हो रहा है उसके अंदर. क्लियर यहां तक? अब हम डेफिनेशन तो नहीं फिट करेंगे अनटिल अनलेस कोई मजबूरी नहीं हो. ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर डेफिनेशन फिट करेंगे. लेकिन सेकंड क्वेश्चन, कॉपी कर लिया सब लोगों ने यहां तक? लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट ऑन सॉल्यूशन. लिखो एफ डैश एक्स थ्री एक्स स्क्वायर, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. लिखो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. देयरफॉर क्या लिखा आपने? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. हैंस बोथ, बोथ मतलब क्वाज़ी कॉनकेव एज वेल एज क्वाज़ी कॉन्वेक्स. कोई प्रॉब्लम यहां तक? लिखो थर्ड वन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर, डिफ्रेंशिएट करो पॉजिटिव या नेगेटिव. इसका मतलब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन की तरफ. क्या आएगा? इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? फंक्शन क्या निकला? लेके देयरफॉर कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स होने से क्वाज़ी कॉन्वेक्स होता है? पहले नहीं बोल लो उसके बाद हाँ बोलना. होता है नहीं होता है? लेके देयरफॉर फंक्शन इज क्वाज़ी कॉन्वेक्स. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज क्वाज़ी कॉन्वेक्स. डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज क्वाज़ी कॉन्वेक्स कॉमा क्वाज़ी कॉनकेव.
कॉमा बोथ और नाइदर, चार चीजें हम देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? क्वाजाय कॉन्वेक्स, क्वाजाय कॉन्केव, बोथ और नाइदर। लेकिन फर्स्ट वन, लेकिन ई रेस्ट बाय एक्स, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? ई रेस्ट टू बाय एक्स। इज इट ग्रेटर देन जीरो? देयरफॉर बोथ। कंफर्म ना, एरो देके लिखो बोथ। हो गई बात खत्म? सबको समझ में आ गई बात? रिपीट तो नहीं करना, एक बार डिफरेंशिएट कर लो। ई एक्स आएगा, ई एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते ही प्रॉपर्टी आपके पास है ही, बोथ की तरफ इंडिकेट करता है। लेको सेकेंड वन, लेको एल एन एक्स, पूरा नहीं लिखवाओ ना, डिफरेंशिएट कर लोगे ना आप, माइंड में ही डिफरेंशिएट करो, क्या दिक्कत है? डिफरेंशिएशन बताओ, इज इट ग्रेटर देन जीरो? लेको देयरफॉर बोथ। लेको थर्ड वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करो, इज इट ग्रेटर देन जीरो? देयरफॉर बोथ। लेको फोर्थ वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस वन। पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, कुछ भी हो सकता है। डबल डिफरेंशिएट करो, 6x, 6x की क्या पोजीशन? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लिखो देयरफॉर नाइदर। लिखो फिफ्थ वन, लिखो साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्या होता है? माइनस वन टू वन, इसका मतलब पॉजिटिव भी हुआ नेगेटिव भी हुआ। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ने आपको कुछ भी कंफर्म? डबल डिफरेंशिएट करो, उसकी वैल्यू माइनस वन टू वन, तो वहां से भी कोई कंफर्मेशन? लिखो नाइदर। लिखो सिक्स वन, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स। डिफरेंशिएट करो, प्लस सेवन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है? हाँ नहीं? तो आप मुझे बताइए, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आपको चेक करना होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मुझे बताइए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पॉजिटिव कब होता है? ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड साइड में लिखो ए इज इक्वल टू नाइन ग्रेटर देन जीरो। कैपिटल डी निकालो, कैपिटल डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, जल्दी निकालो। क्या आया? नेगेटिव आ रहा है। तो ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, देयरफॉर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इज लेको ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई डाउट यहां तक?
मुझे तो यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लिखो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हैंस बोथ। क्या करना है इसमें? डी निकालना है सिर्फ। डी प्लस आ गया, डी होता क्या है? तो ये तो हो गया 100 और ये हो गया 9 इंटू 7 इंटू 4, 63 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से ज़्यादा ही होगा, तो प्लस कैसे हो गया? ठीक है यहाँ तक? डी की वैल्यू से क्या डिटरमाइन, डी मतलब लेस देन जीरो होने से क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, रियल या इमेजिनरी? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को यदि कट नहीं करेगा तो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर से जाएगा या एक्स एक्सिस के नीचे से जाएगा, तो ए ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर से जाएगा, तो सारी वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। ठीक है यहाँ तक? ये हो गया, ये देयरफॉर बोथ लिख लिया ना आपने। नेक्स्ट आइए, लेके एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लिखो फाइंड द कंडीशन ऑन ए कॉमा बी एंड सी फॉर अ फंक्शन टू बी बोथ, फॉर अ फंक्शन टू बी क्या लिखा आपने, बोथ। फटाफट डिफरेंशिएट करो उसे। क्या आएगा? 3a x स्क्वायर प्लस, इसका d लिखो, कैपिटल d निकालो, क्या आया 4b स्क्वायर माइनस, मेरी बात सुनिए रे, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ग्रेटर देन जीरो कब होगी? जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, रादर से 3a ग्रेटर देन जीरो होगा और ये लेस देन जीरो होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो कब होगी? जब 3a लेस देन जीरो होगा, d लेस देन जीरो होगा। पक्का? तो लेके फॉर फंक्शन टू बी बोथ, लेकिन फॉर फंक्शन टू बी बोथ आइदर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। लिखो नेक्स्ट लाइन में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन 3a is greater than 0 and capital D is less than 0. Leko, that is a is greater than 0 and b square is less than 3ac. B square is less than 3ac. Ek ho gaya aapka. Ab dobara repeat karo. Leko f dash x less than 0. When 3a is less than 0 and capital D is less than 0, 3a is less than 0 and capital D is less than 0. ठीक है, कंडीशन ढंग से समझ लिए, अपनी तरफ से ग्रेटर देन जीरो मत लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन दिस इंप्लाइज a इज लेस देन 0, क्योंकि पढ़े लिखे जरूरत से ज्यादा हैं यहाँ लोग। लेकिन दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन जीरो एंड बी स्क्वायर इज लेस देन 3ac।
हो गया ये। कितने क्वेश्चन हुए आपके? सेवन। अब लिखिए एट्थ वन। सेवेंथ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और एट्थ पे भी डबल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या फंक्शन लिख के दिया? ई रेस बॉ माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि यदि आप इसे डिफरेंशिएट करोगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स आउटसाइड हो जाएगा और डबल डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगी। ठीक है, इसकी टैकलिंग आपको हमेशा बदलनी होगी। और ये फंक्शन ऐसा है जिसका कि एग्जांपल आपको हमेशा मिलेगा। ये फंक्शन है आपको क्वाज़ाई कॉनकेव फंक्शन, जो कॉनकेव नहीं होता, जो कॉनकेव रिमार्क में लिख ली। यदि आपसे पूछे तो आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन दिस फंक्शन इज क्वाज़ाई कॉनकेव बट नॉट कॉनकेव। अभी तो आपने स्टैट्स नहीं पढ़ा है ना, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। किसी ने स्टैट्स किसी सेमेस्टर में पढ़ा है? किसका ग्राफ मैंने बनाया है? डिस्ट्रीब्यूशन में बताओ, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये यानी कि स्टैट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल। वैसे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं सीधी सी बात कह रहा हूं। आप मंदिर जाते हो ना? नहीं जाते? गुरुद्वारे जाते हो? किसी एक जगह तो जाते होगे। एग्जामिनेशन आ ही रहा है, जाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है आपकी। ठीक है, अब यहाँ कंसंट्रेशन। जब आप मंदिर जाओगे तो आप देखोगे जैसे एंटर करोगे तो सामने आपको बेल दिख जाएगा, लोग उसको बजा लेते हैं कि भगवान जी मैं आ गया हूँ कुछ कीजिए। ठीक है, और इस समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप उसको एक बार जो जाओगे दोबारा कभी, अभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो जैसे ही जाओगे ना तो एक बार उसके स्ट्रक्चर को देखना। ऊपर से नीचे वाले पार्ट तक तो वो ठीक रहता है कि आपको लगेगा ये फंक्शन कॉनकेव है, लेकिन लास्ट पार्ट में बेल ऐसे टर्न होती। इज इट ट्रू? तो इसका मतलब जैसे उसकी टर्निंग की पोजिशन आई तो फिर वो कॉनकेव नहीं हुआ, क्या हुआ? कॉन्वेक्स। इस पार्ट में वो कॉन्वेक्स दिखेगा आपको, जहां से वो टर्न लेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्वाज़ाई कॉनकेव, जो कॉनकेव की तरह हो देखने में लेकिन एक्चुअली कॉनकेव हो नहीं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्वाज़ाई कॉनकेव। तो लास्ट पोजीशन में देखिएगा, जब एकदम बिल्कुल लास्ट पोजीशन में आएगी बेल की पोजीशन तो हल्का सा ऐसा टर्न होगा, और जैसे ही टर्न लिया उसकी कॉनकेविटी हट गई, क्या हो गई? कॉन्वेक्सिटी स्टार्ट हो गई। इतनी बातें क्लियर? दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड क्वाज़ाई कॉनकेव, रीजन कॉनकेव की तरह लगता है और वो है नहीं। समझ में आ गई बात? अब आइए टू द पॉइंट कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये तो आपकी जनरल नॉलेज मैंने ठीक की, अब चलिए स्टार्ट हो जाइए सॉल्यूशन में। सबसे पहला काम लिखिए, स्टेप नंबर वन लिखिए, लेट जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो, लिखो डी जेड बाई डी एक्स, क्या आएगा? माइनस टू एक्स। डबल डिफरेंशिएट करो, माइनस टू
इज इट लेस देन जीरो? लिखो लेस देन जीरो. डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो, फंक्शन क्या होती है? कॉनकेव. लिखे देफो इट इज कॉनकेव. लिखे हैंस क्वाज़ कॉनकेव. मतलब हमने ये बताया कि माइनस एक्स स्क्वायर हमारी क्वाज़ कॉनकेव है. ठीक है, अब लिखो स्टेप टू. तो हमारी फंक्शन ये क्या हो गई? ई रेस्ट वॉ जेड. फंक्शन क्या हो गई? तो लिखिए स्टेप टू, लिखिए लेट जी जेड इज इक्वल टू ई रेस्ट वॉ जेड. फंक्शन डिफरेंशिएट करो, लिखो जी डैश जेड क्या आएगा? इज इट ग्रेटर देन जीरो? लिखो ग्रेटर देन जीरो. क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? लिखो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. कोई प्रॉब्लम यहां तक? मैंने आपको क्या बताया था? एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी पढ़ो जाके. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले में पढ़ना प्रॉपर्टी नंबर टू. हाँ, प्रॉपर्टी नंबर टू पढ़ो. पढ़ लिया आपने? सब लोगों ने पढ़ लिया? नीचे लिखो एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ क्वाज़ कॉनकेव फंक्शन. एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ क्या लिखा आपने? लिखो इज क्वाज़ कॉनकेव. इज क्वाज़ कॉनकेव. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? टाइप वन आपकी ओवर हुई.